हेलो फ्रेंड्स, सॉरी देसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह सुबह मजरे में घास की कटिंग हो रही है, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊं। और धूप बहुत तेज़ हो रखा है सुबह सुबह, और गर्मी भी हो रहा है भाई। अभी सुबह सुबह ये हाल है, तो सारा दिन कैसा होता होगा आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी देखें कितना बेहतरीन हो रखा है। और ये दूसरा कटाई है, इससे पहले भी बनाया था, उससे बढ़िया हो रखा है। अब ये जितना जितना कटिंग होएगा ना, उतना बढ़िया होते जाएगा, मतलब ज़्यादा होते जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा खाली भी ज़मीन होता था ना, अभी ये धीरे धीरे, ये जब खाली नज़र आ रहा है ये भी नहीं आएगा, सब भरते जाएगा। अभी 1-2-3 खत अभी काट रखा है, तो जब वो उधर गया हुआ है, अभी सारा बाकी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए कितना बेहतरीन घास हो रखा है। हालांकि अपने इधर ये सब नहीं पूछते हैं, ठीक है। और अभी मशीन जब इधर आता है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन हुआ है ये। जितना इसको गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना गर्मी पड़ेगा ना, बस इसको पानी मिलना चाहिए, गर्मी से कोई लेना देना नहीं है ये, क्योंकि ये गर्मी गर्मी में ही होता है, बस ठंड में नहीं होता है ये। इसीलिए जितना गर्मी होएगा ना, जितना जल्दी आदमी पानी खाद पानी देगा ना, उतना ही जल्दी जल्दी ये कटिंग होता है। हालांकि फिर भी कम से कम महीना दिन लग ही जाता है। और गर्मी भाई बहुत बुरा हाल है। सुबह सुबह आप लोग देख सकते हैं कितना तेज़ धूप हो रखा है। तो जब मशीन इधर आता है ना, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं पूरा भी बाकी है। और बाकी इसका जो बीज निकलता है ना, ये लेट करके काटेगा ना, तो इसी में से बीज निकलता है। हालांकि इसको बीज की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए काट रहा है। तो जब मशीन आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये अभी मालिक आए थे ना खाना देने के लिए, तो खाना दे के वो चले गए। बाकी अभी वो देखो मशीन आ रहा है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखे ये चल रहा है। तो ये रहा घास काटने वाला मशीन, ठीक है। हम इससे सिर्फ घास घास काट सकता है और कोई काम नहीं आएगा। हालांकि इधर घास काटने के लिए भी बहुत काम है, सारे मजरों में इसका काम है भाई, इसके बिना काम ही नहीं होता है। इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा ये। और इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि इंडिया में ज़रूरत भी नहीं है, इतना घास कौन काटता है भाई। और इस तरह के घास हमारे इधर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऐसे ही होता है, गाय भैंस खाते रहती है, सब इधर नहीं होता है, तो उगा के खिलाना पड़ता है। आई हो आपको वीडियो पसंद आएगा। और वो भाई मेरे को बुला रहा था, हालाँकि मेरे को काम है, इसीलिए मैं सोचा कि जाएँगे तो लेट हो जाएंगे। एक बार और आप लोग को दिखा देता हूँ। अभी ये पूरा बाकी है, टाइम लगेगा थोड़ा कटने में। और वो गाड़ी उधर चला गया। आई हो आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।